इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। राजस्थान के कई हिस्सों में फिर बिजली संकट मंडरा रहा है, तो ये बड़ी खबर। पिछले 24 घंटे से कई जगह कटौती जारी है, इस वक्त की बड़ी खबर। ऐसे में अघोषित बिजली कटौती लगातार जारी है, तो कोयला संकट और बिजली घरों में आपूर्ति होने लगी है प्रभावित, जिसकी वजह से आमजन को भी बेहद ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। राजस्थान के कई हिस्सों में फिर से बिजली का संकट मंडराने लगा है, तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कोयले की कमी की वजह से यहाँ पर एक बार फिर से बिजली संकट साफ देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से आमजन को भी बेहद ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और ऐसे में कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर ये कटौती साफ देखने को मिल रही है। कोयला संकट और बिजली घरों में आपूर्ति होने लगी है प्रभावित, जिसकी वजह से लोग भी परेशान हो सकते हैं। राजस्थान के कई हिस्सों में फिर बिजली संकट मंडराने लगा, तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कोयले की कमी की वजह से लगातार बिजली संकट का खतरा बढ़ता चला जा रहा है, जिसकी वजह से आम लोग भी बेहद ज्यादा परेशान हो सकते हैं। तो ये बड़ी खबर, कोयला संकट और बिजली घरों में आपूर्ति प्रभावित होने लगी है, और ऐसे में राजस्थान के कई हिस्सों में फिर से बिजली संकट मंडराने लगा है। तो ऐसे में कोयला की कमी की वजह से एक बार फिर से बिजली का संकट लगातार बढ़ता चला जा रहा है, और ऐसे में स्थिति और भी खराब हो सकती है। तो ये बड़ी खबर, पिछले 24 घंटे से कई जगह पर कटौती जारी है, कई जगह पर कटौती की जा रही है, और ऐसे में लोग बेहद ज्यादा परेशान हैं, और ये संकट आगे भी इसी तरीके से बढ़ता चला जाएगा। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, राजस्थान के कई हिस्सों में फिर से बिजली का संकट मंडराने लगा है। बता दें कि कोयले की कमी की वजह से यह संकट लगातार बढ़ता जा रहा है, और राजस्थान के कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर बिजली की कटौती साफ देखने को मिल रही है। बिजली की कटौती लगातार जारी है पिछले 24 घंटे। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता दिनेश जुड़ चुके हैं। दिनेश, कोयला संकट लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से बिजली की कटौती भी अब प्रदेश में देखने को मिलेगी। कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर कटौती साफ देखने को मिल भी रही है, जिसकी वजह से आम जन को भी बेहद ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी देखिए, पिछले 24 घंटे से राजस्थान के कई इलाकों, जिलों और गाँवों में बिजली कटौती की परेशानी हो रही है। अघोषित रूप से लगातार बिजली की कटौती जारी है। क्या एक बार फिर कोयले का संकट गहरा गया है, और जो थर्मल हाउस है उनमें क्या बिजली की सप्लाई है वो प्रभावित होने लगी है, जिसके चलते बताया जा रहा है कि अघोषित रूप से जो 220 किलोवाट के जीएसएस है, जहां से बिजली सप्लाई होती है, वहां पर अघोषित तौर पर से, कोई लिखित में नहीं है, उनको निर्देश दिए गए कि बिजली की जो कटौती है आप लगातार जारी रखें। कल 220 करीब बिजली के कट यानी लगाए गए, यानी इतनी बार बिजली कटौती की गई। उमस भरी गर्मी में लोगों को काफी दिक्कत हो रही है, वही रबी फसलों की तैयारी कर रहे हैं उनके भी सामने भी पानी देने की समस्या आ सकती है। लेकिन बताया जा रहा है कि फिर से कोयले का संकट खड़ा हो चुका है। थर्मल पावर हाउस में बिजली की पीछे से जो सप्लाई है वो कम होने लगी है, जिसके चलते ये अघोषित कटौती राजस्थान के ऊर्जा विभाग को करनी पड़ रही है। दिनेश, ऐसे में क्या लगता है, ये खतरा और इसी तरीके से आगे बढ़ता चला जाएगा, या फिर इस पे कहीं ना कहीं रोक लगेगा, क्योंकि लोग भी बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं? जी देखिए, पिछले दिनों कॉल कंपनियों को पेमेंट समय पर भुगतान नहीं हुआ था बकाया, जिसके चलते उन्होंने बिजली सप्लाई बंद कर दी थी, और पूरे राजस्थान में एक तरह से कह सकते हैं कि अंधेरा हो गया था, बिजली का संकट गहरा गया था। फिर ऊर्जा मंत्री और ऊर्जा महकमे के अफसर दिल्ली पहुंचते हैं और वहां पर बकाया जो पेमेंट है वो रिलीज करते हैं, उसके बाद बिजली सप्लाई होती है। हालांकि वैसी स्थिति तो नहीं है, लेकिन अगर इसी तरह हालात रहते हैं तो कह सकते हैं कि ये बिजली संकट गहरा जा सकता है और भी। जी दिनेश, ऐसे में पहले की तरह स्थिति ना हो जाए, फिर से प्रदेश पूरे अंधेरे में ना चला जाए, इसको लेकर क्या कुछ रणनीति बनाई जा रही है? जी देखिए, ऊर्जा विभाग के जो अधिकारी है वो अभी तो यही कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, मेंटेनेंस के चलते, दिवाली का त्योहार आ रहा है तो उसके चलते रख रखाव मेंटेनेंस है, उसके चलते ये कटौती करनी पड़ रही है, ऐसा उनका कहना है। ठीक दिनेश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें कि राजस्थान के कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर बिजली की संकट लगातार मंडराते जा रही है, पिछले 24 घंटे में कई जगह कटौती जारी है।